डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक लेटर मिला है एंड हम उस लेटर के कंटेंट से पूरी तरह से हमने कंटेंट को एग्जामिन किया है, हमने देखा है और हमने कंसर्न लोगों से बातचीत भी की है। चूँकि अभी इस कंटेंट में बहुत कुछ ऐसा है जिसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है, जिसको इंक्वायर करने की आवश्यकता है। हम कोशिश कर रहे थे कि सारे लोग हमें अभी मिल जाएँ, बट बहुत से ऐसे जो है स्टेक होल्डर्स हैं जिनके मोबाइल ऑफ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने जो है अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाया है और ये हमारी इंक्वायरी एसीपी कोतवाली फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी और भी टीम के लोग हैं जो इस इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहे हैं। तो वंस इंक्वायरी विल बी कम्प्लीटेड, जो भी उसका आउटकम होगा, जो भी उसमें इन्ग्रेडियंट्स होंगे, जो भी लीगली हमें आगे जाने के लिए इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, हम विधि के अनुसार उसमें आगे बढ़ेंगे। जो तहरीर मिली है उसमें क्या किस तरीके से कहा गया? देखिए, हमको वहाँ से जो लेटर मिला है वो लेटर जो कोर्ट है उनके पेशकार की तरफ से दिया गया है और उस लेटर में जो कंटेंट है उस कंटेंट को हमने देखा है। उसमें बताया गया है कि एक ऑर्डर था जिस ऑर्डर को वहाँ पे उस समय इशू किया गया था और ये बताया है कि कुछ लोग वहाँ थे जो चले गए। तो इसके पूरा का पूरा जो सिचुएशन है, सरकम चांसेज है, वो अभी अंडर इंक्वायरी है, उसको हमें जामिन करना है। नहीं, देखिए, हमें पहले इसमें जो इंक्वायरी करके कॉग्निजेंस क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसको क्लियर करना पड़ेगा। वंस इट विल बी क्लियर, वंस जो कुछ भी है वो हमारे पास है, वो पब्लिक रिकॉर्ड है, उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। वंस एग्जामिनेशन विल बी ओवर, वॉट एवर इज द रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल बी टेकन। कब तक इसमें एफआईआर हो जाएगी? देखिए, जो जेन्युइन टाइम हमें इंक्वायरी में लगता है वो लगेगा। हमें एक दो दिन में इंक्वायरी करके हम इसके कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि वहाँ पे